हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले टिकटॉक एप्लीकेशन के बारे में। टिकटॉक एप्लीकेशन जो है इंडिया में बैन हो चुका है और इसके साथ साथ 59 ऐप्स को भी इंडिया में बैन कर दिया गया है। 59 ऐप्स कौन कौन से हैं इसके बारे में भी बात करेंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका नाम मिल जाएंगे। कुछ टाइम पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में आप लोगों को मैंने ये बताया था कि इंडिया में टिकटॉक बैन हो सकता है। अब फाइनली गाइज आज के डेट में टिकटॉक बैन हो चुका है, तो ये 100% कन्फर्म न्यूज है। केंद्रीय सरकार ने यहाँ पे आदेश दे चुका है कि इंडिया में 59 ऐप्स को बैन कर दिया जाए। फिलहाल मैं भी प्ले स्टोर पर अभी सर्च करते हैं टिकटॉक एप्लीकेशन, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आपको बहुत ही जल्द प्ले स्टोर से भी टिकटॉक एप्लीकेशन के साथ साथ 59 ऐप्स को रिमूव कर दिया जाएंगे। आप लोगों को मैं मेन रीजन बता देता हूँ, टिकटॉक के साथ साथ जो 59 ऐप्स जो इंडिया में बैन हुआ है इसका क्या रीजन है। जैसा कि आपको पता होगा, 14 तारीख को इंडिया और चाइना के बीच जो लड़ाई हुआ था, उस बीच में हमारे इंडियन 20 सैनिक के मौत हो गए थे। तो यही एक मेन रीजन है जिसके कारण टिकटॉक इंडिया में बैन हो चुका है। इसके साथ साथ 59 ऐप्स भी लोगों को काफ़ी दिनों से इंतजार था, क्योंकि यहाँ पर टिकटॉक पर काफ़ी ज़्यादा गंध मच चुके थे। कभी निशा गुड़गियाना का MMS वीडियो वायरल हो रहा था, तो कभी ब्यूटी खान का, और इसके बाद लवली वर्मा का भी वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ हो रहा था। तो ये सब भी एक रीजन आ सकता है। तो फाइनली गाइस इससे मुक्त हुआ। तो आप लोगों को क्या लगता है, इंडिया में टिकटॉक के साथ साथ जो 59 ऐप्स जो बैन हुआ है, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप लोगों को यहाँ पर दो ऐप्स के बारे में बात करता हूँ जो एक इंडियन ऐप्स है, तो आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। नंबर वन रोपोसो ऐप और सेकेंड नंबर चिनगारी ऐप है। ये सेम टिकटॉक एप्लीकेशन की तरह ही है, तो आप चाहे तो ये एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना।